Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मम्मी की होया तुहानू? क्या बात है, क्या जोड़ी है, जोड़ी है? की बोली जाने मदन? कल अपने सेट उत्ते पता कहो जे कम होया जो आज तो पहला कदे भी नहीं हुई। कल पूरा दिन अमृता जी मेकअप रूम विच बंद रहे, किसी नूं कुछ भी नहीं पता लग्या। ऐदा किद्दां हो सकदा है कि कोई सेट दे कमरे उत्ते बंद होवे ते किसी नूं कोई खबर ना होवे। ओ बेचारे सारा दिन भुखे प्यासे कमरे विच बंद रहे ते तुहानूं किसी नूं भी होश नहीं सी। हुण इसदा जिम्मेवार कौन है? इसका मतलब तां अपने सेट उत्ते कोई भी सेफ नहीं, कदों ते कदे भी कुछ भी हो सकदा है। नहीं अमृता जी 11 बजे सेट उत्ते पहुंची ते आंदे सारी मेकअप रूम विच बंद हो गई ते जदों पता लग्या तां उन्हां दा दरवाजा बाहरों बंद सी। इसका मतलब तां जां फिर इह हरकत किसी ने जानबूझ के कीती है जां फिर एक बहुत वड्डी अणगहली है। तुसीं दोनों हुण मैडी नूं दसोंगे कि तुसीं कल उस टाइम ते कित्थे सी ते की कर रहे सी। जदों तक मैनूं इह नहीं पता लग जांदा ना कि इह हरकत किसने कीती है उदो तक शूटिंग दोबारा शुरू नहीं मामा, ये तुसे सारा खत्म करना है। पर हमने के तो बहुत ज्यादा है। मम्मी जे तुसे नहीं पियोगे तो तुहानू एनर्जी किद्दां आएगी? मैं कुछ नहीं सुनना, तुसे सारा पियोगे। थैंक यू पुत्र, मेरा इतना ध्यान रखने लई। असली थैंक यू तो विक्रांत जी दी बनती है। कल जे रूम विच उन्होंने टाइम सिर तुहानू ना कढ़िया हुंदा ते खाना ना खवाया हुंदा, पता है तुहानू वीकनेस आ जाना सी ते डॉक्टर कह रहे सी कि तुहानू ड्रिप लगानी पैंदी। विक्रांत जी साड़ी लाइफ विच फरिश्ता बन के आए ने, उन्होंने हमेशा आउट ऑफ द वे जाके साड़ी हेल्प कीती है। मम्मा उन्होंने हमेशा तुहाडे टैलेंट नू एनकरेज कीता, तुहानू अपने शो विच लेके गए, तुहाडा हलवा अपने मेन्यू विच पाया, होर ते होर उन्होंने तुहानू तुहाडी खुद नाल पहचान कराई। मम्मा उन्होंने तुहानू पुछिया सी ना कि तुहानू खाने विच की पसंद है, सुनन च किन्नी छोटी गल लगती है ना, पर कोई तुहानू एक गल ता ही पुछदा जदों एक्चुअल च तुहाडी फिकर करदा होवे। रमनीक ए सब मैनू पता है, पर तू कहना की चाहनी है? मम्मी कि तुसी विक्रांत जी नू एक होर चांस नहीं दे सकदे? आई मीन प्लीज तुसी उन्हां नू गलत ना समझो, उन्हां ने कुछ भी गलत नहीं किता, उन्हां नाल कादी नाराजगी। रमनीक नाराजगी अपनी जगह है, पर ये बहुत वड्डी गल है कि उन्होंने मेरी दोस्ती नू गलत समझिया ते मैं नहीं चाहती उन्होंने मेरी वजह नाल कोई तकलीफ होवे। की तकलीफ मम्मा? रमनीक विक्रांत जी जिस पासे जा रहे ने ना वो कदी नहीं हो सकता, मैं ऐदा कदी सोच भी नहीं सकती, ते किसे नू झूठी उम्मीद दिलाने नालो वधिया उस तो दूरी बना लेती जावे। पर इस हिसाब नाल तां तुहाडे विच कुछ नहीं रहेगा, दोस्ती भी नहीं। जे ऐदा ते फिर ऐदा ही सही। ठीक है मम्मी, जिद्दां तुसी ठीक समझो तुसी ओ कर लो, मैं हमेशा तुहाडे नाल हां, पर मैं तुहाडे तों एक प्रॉमिस चाहुंदी हां। की?
यार इतना कदों तक चलेगा? मैं बिना जॉब तो कदों तक रहूंगा? मैं कुछ ना करना पड़ेगा, वो भी छेती। यार एक ही गल हुई, निकिता जी जो तो काम होंदा है एमरजेंसी च कॉल मैसेज कर देंदे है, ते जो तो मैनू आ कोई आंसर नहीं देना। एक काम करदा, वॉइस मैसेज छोड़ देना। हेलो निकिता जी, मैनू पता कि मैं मम्मा नू शूटिंग तो आन तो रोक नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं भी की करा, मम्मा नू सारे सपोर्ट कर रहे थे, मैनू सब कल्ले मैनेज करना मुश्किल हो रहा है अब, पर तुसी मेरा यकीन मनो, मैं कुछ ना कुछ करके ना मम्मा नू नेक्स्ट टाइम तो शूटिंग तो आन तो रोक लूंगा, बस मैनू थोड़े दिन का टाइम दे दो। मैम तुसी ठीक ते हो ना? तुहानू पता है विक्रांत सर ने ना सवेर दा कम स्टार्ट नहीं किता, उन्होंने कहा जदों तक इनक्वायरी पूरी नहीं हो जांदी ते पता नहीं लगेगा कि ये कम किन्ने किता है, वो चुप नहीं बैठनगे। हाँ वो कल भी गुस्से विच लग रहे सी। हाँ मैम तुसी हले तक उन्हां दा गुस्सा नहीं देखिया, जदों उन्हां दा कोई अपना प्रॉब्लम जे हुंदा है ते वो बहुत परेशान हो जांदे ने। मैम अपा तैयार होन चलिए। तुसी मेनू दसो किथे जाना है, आज मैं मम्मा नाल सारा दिन रवांगी। मैम ओदी कोई लोड नहीं हैगी, विक्रांत सर ने मेनू कहा है कि अमृता मैम नू ना एक मिनट वास्ते भी कल्ले नहीं छड़ना, ते मैं सारा दिन उना दे नाल ही रवांगी, तुसी फिकर ना करो। ठीक है मम्मा, तुहानू किसी भी चीज दी लोड होई ना मेनू कॉल करियो। चलिए मैम। हेलो विक्रांत जी। हेलो रमनीक, किवें एथे कदों? जदों तुसी इंक्वायरी करन विच बिजी सीगे, मैडी ने मेनू दस्या कि तुसी सवेर तो इंक्वायरी कर रहे हो। हाँ रमनीक, मेनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे सेट उत्ते कदे भी पहला एहो जी हरकत नहीं हुई जो इस बार हुई है। अमृता जी मेरे भरोसे ते इत्थे आए सी, ते उन्हां नाल एहो जी हरकत होना, उन्हां दा ध्यान रखने दी जिम्मेवारी मेरी सी, ते सारी मेरी गलती है। डोंट वरी विक्रांत जी, आज सेट ते मैं भी सारा दिन रवांगी, आपां दोनों मिलके पता करांगे की होया सी। सोहम तू इत्थे की होया? चाचा जी मैं ना तुहाडे नाल एक इम्पोर्टेंट गल करनी सी। अच्छा मेरे नाल की होया दस? बस मैं ये चाहनी है कि वो अपने आप नु समाज दे डर तो लोकां दे डर तो किसी भी चीज तो कदे रोकन ना, शायद हो सकदा है कि उनां दे मन च तुहाडे लई कुछ होवे या ना भी होवे, बस मैं ये चाहनी है कि और जो भी फैसला करन अपने मन नाल करन, लोकां दे डर तो नहीं, ते तुहाडे मन विच जो भी है ओ भी उनां दे सामने आना बहुत जरूरी है। किद्दां रमनीक, मैं किद्दां अपने आप नूं इन्नी वड्डी झूठी उम्मीद दवां, जो उनां नूं मैं कुछ भी कहांगा तां ओह हमेशा लई मेरे तो दूर हो जाणगे। पर विक्रांत जी इद्दां अपनी फीलिंग नूं दबा के रखना ओह भी तां गलत है ना, तुसी सारी उम्र अपनी फीलिंग लको के इद्दां सफोकेट हो के जीना चाहुंदे हो। I understand कि तुहानू डर लग रहा है,
पर की पता कि मम्मी दे दिल विच भी कुछ होवे ते ओ कदे नहीं बोलन के विक्रांत जी ओ किसे होर नू की ओ अपने खुद दे मन नू नहीं एक्सेप्ट करन देंगे कि उना दे मन विच इद्दा दा कुछ आ सकदा ताईयो ए तुहानू करना पएगा विक्रांत जी क्योंकि ओ कदे भी ए गल नहीं कहणगे तुसी समझ रहे हो ना मेरी गल मैनू पता है कि ओ किद्दा रिएक्ट करनगे पर आपां नू उनां नू मिलके समझाना पएगा कि इहदे विच कुछ गलत नहीं है प्यार किसी भी उम्र विच हो सकदा है ते किसी नू भी हो सकदा है ए कोई गलती नहीं है कि इस दी सजा बंदा खुद नू दवे ए ता दुनिया दी सब तो वधिया फीलिंग है ते मैं चाहनी हां कि मम्मा खुद नू ए फील करन दा हक दे ते इन्ना वड्डा काम करन लई रमनीक अपने कोल सिर्फ एक महीना उस तो बाद ता अमृता जी नू रोकना मुश्किल हो जाएगा हाँ ते सानू ए छेती करना पएगा क्योंकि एक महीने विचों ऑलरेडी दो दिन निकल चुके ने मैम आफ्टर ऑल अपना प्लान काम कर रहा है मतलब मतलब तुसी आ देखो मैनू हुनी सोहम दा मैसेज आया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਓ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਸੋਹਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਪਾਊ ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਮਨੀਕ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਮਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨੀਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਮਨੀਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਮਨੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਨੀਕ ਦੀ ਜੋਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਾਅਦਾ ਪਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
फोन मैं की करा, मैं तो मैडम ने मैसेज भी करता सी कि काम हो गया। शिट यार, जीजू मैं तेरा जीजा नहीं हूँ। आई मीन विक्रांत सर, प्लीज मैनू माफ कर दो सर। सर मैं बस इतना चाहूंगा सी कि तुसी ते दीदी नेड़े आ जाओ, ते मैनू लग्या अगर अमृता मैम ताड़े तो दूर हो जानगी ते तुसी दोवें नेड़े हो जाओगे। बस प्लीज मैनू माफ कर दो सर। तू अपने घटिया प्लान दे विच अमृता जी नू किद्दां लेके आया है? तेरी हिम्मत किद्दां हुई ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ? ਆਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ मैं निकिता दीदी नू देखे मुंबई विच, ओ किन्ना दुखी रहंदे सी सर, ओ तुहानू रोज इन्ना मिस करदे सी सर। मैं तो बस इन्ना चाहुंदा सी कि तुसी दोवें इक हो जाओ। मैडी, तू मैनू अज बहुत शर्मिंदा कीता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि तू एदा दी हरकत कर सकदा है। मन्या कि मैं विक्रांत तो बिना बहुत दुखी सी, पर एदा मतलब ए ते नहीं कि तू एदा दी हरकता करेगा, हो भी अमृता दे नाल। अमृता ने तेरा की बिगाड़िया सी? उन्होंने ते सानू इन्ना प्यार दिता है, अपनी लाइफ दे विच सानू दोनों नू अपने घर दे विच साडा वेलकम किया, ते तू उन्हां नाल ही ये सब। हे देख हुन तू की कीता है, तू मैनू ते विक्रांत नू नेड़े लियाना चाहंदा सी, ते हुन विक्रांत मेरे ते ही शक कर रहा है। उन्हूं लगदा कि सब कुछ मैं कीता है। मैं तेरिया बहुत गलतियां माफ कीतियां, पर इस बार तू बहुत वड्डी गलती कीती है। मैनू शर्म आ रही है कि तू मेरा भरा है। मैं तेरे नाल काम नहीं करना चाहती, तू इत्थों चला जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दीदी प्लीज मेनू काम तो ना कड्डो, दीदी आई एम रियली सॉरी। हुन सॉरी बोलन दा कोई फायदा नहीं है, मैं तेनू माफ नहीं करांगी, चला जा इत्थों। दीदी इदा ना कहो, सिर्फ मेनू एक चांस और दे दो। तेरा ना आईडिया ही बकवास है सोहम, तेनू विक्रांत जी दे कोल जाना चाहिदा सी जॉब लई, तू चला गया उस निकिता दे कोल, ते उन्हें तेनू फालतू दे चक्करां च पाया होया। यार मैनू लगा सी कि निकिता जी छेती काम कर देंगे, पर उन्हां नू ते अपने काम तो फुर्सत नहीं हैगी। पर यार तू विक्रांत जी दे कोल क्यों नहीं जा रहा? वो तेरी मोम दे फ्रेंड ने, तेरी हेल्प जरूर करनगे। की फ्रेंड? इस उम्र विच ना कोई फ्रेंड नहीं बनाउंदा, वो सिर्फ मेरी मम्मा नाल काम करदे ने, होर कुछ नहीं। नाले मैनू वो विक्रांत कहीं बिलकुल पसंद नहीं हैगा, ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਮਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਵਿਕਰਾਂਤ। हेलो निकिता जी, तुसी देख रहे हो ये सब की चल रहा है? आज भी शूट नहीं होएगा, आज भी अमृता की होया? निकिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
नहीं नहीं ऐदां दी कोई गल नहीं है। मैं ते अमृता नू देख रही सी। मैनू बहुत खुशी हुई कि अमृता सेट ते वापस आ गई है। अच्छा पर तहाड़ा मुंह देख के लगता नहीं रहा कि तुसी इतना खुश हो। मैं आई हेलो मैम तुसी कौन ते किस नू लब रहे हो? मैं निकिता जी नू लब रही हूं। निकिता जी ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ? ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਨਿਕਿਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋ? ਕਮ ਔਨ ਵਿਕਰਾਂਤ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਕਿਤਾ ਮੈਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਤੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਿਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡੱਬੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਰਮਨੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡੱਬੇ ਲਗਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਡੱਬਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ। ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਜੀ, ਫਾਈਵ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।